अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी और मैट्रिक के जो एग्जाम्स की डेट्स हैं उनका ऐलान हो चुका है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम्स के हवाले से जो आपके डेट आई है, जो उसके हवाले से आपको बताऊंगा किस डेट को किस क्लास का जो एग्जाम्स है। पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, डीजी खान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, पंजाब के अंदर जितने भी 10-15 जो है वो बोर्ड आते हैं, 18 बोर्ड आते हैं, तमाम के तमाम बोर्ड का जो पेपर है सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का किस डेट को होने जा रहा है वो भी बताऊंगा। आपके मैट्रिक 9th क्लास के जो एग्जाम्स की डेट है वो ऑलरेडी आपसे इसी चैनल पे कल वीडियो शेयर की थी। बाकी सेकंड ईयर की और फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स की डेट्स हैं उसके हवाले से जो शेड्यूल है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जो आपके स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपका आप जो है वो एग्जाम्स के बाद फिर आप अपने इंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे और आपका जो इंट्री टेस्ट है वो जुलाई अगस्त में ही अक्सर औकात जो है वो ज्यादातर होता है। और इस बार भी चांस है कि अगस्त में ही आपका जो MBKAT 2024 है वो कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के हवाले से बात करें तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स 3 मई 2024 से स्टार्ट किए जाएंगे। और 9th क्लास के हवाले से भी आपको बता देते हैं, 9th क्लास के 19 मार्च से 2024 से एग्जाम स्टार्ट हैं और 10th क्लास के 1 मार्च 2024 से आपके जो पेपर हैं वो 10th क्लास के भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इनके हवाले से आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी। जो लोग भी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में खासतौर पर स्टडी कर रहे हैं या मैट्रिक में या 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी भी आपके पास 2 मंथ का टाइम है, अच्छे तरीके से अपनी जो मेहनत है वो जारी रखें। बाकी बेस्ट विशेज है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। जो आखिरी 2 मंथ होते हैं, इन आखिरी 2 मंथ में स्टूडेंट्स आप अपने जो मॉडल पेपर्स हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, उन्हीं पे जो है वो अच्छा फोकस किया करें। जो आपका 80% पेपर आता है वो आपके पास पेपर में से ही आता है और जो 10-15% जो नए क्वेश्चन होते हैं वो आप जो है वो आपके 10-15% जो पेपर होता है वो न्यू क्वेश्चन होते हैं, बाकी 80% पेपर आपके पास पेपर में से ही आता है। तो जितने भी पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स आपके पास अवेलेबल है उधर से अपनी तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें। बाकी बेस्ट विशेज हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी आपकी जो डेट्स हैं का जो पर आपके एग्जाम्स का जो शेड्यूल है सब्जेक्ट वाइज वो भी आएगा तो आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।